हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुन एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड मोबाइल्स। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे पल्सर 150 UG5 BS6 यानी कि पल्सर फैमिली का सबसे लेजेंडरी बाइक 150। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एप्को बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी टू दिस बाइक। एंड अगर आपको परचेस करना हो व्हीकल अहमदाबाद में तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स रॉक। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग दी पल्सर 150 BS6 जो अभी BS6 अवतार के साथ आ चुकी है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन एंड सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट लुक से। तो सीरियसली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पूरी पल्सर में 150 में कुछ भी चेंजेस नहीं है कॉस्मेटिक के अलावा, बट स्टिल मेरे को काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लगती है फ्रंट से। एंड ओवरऑल आपको डिज़ाइन जो देखने को मिलती है वो काफ़ी स्टनिंग है यहाँ पे। एंड अभी जो ड्यूअल डिस्क वाला वेरियंट है उसमें वाइडर टायर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बल्कि लुक आपको देखने को मिलता है। एंड बात करता हूँ कि बजाज ने क्यों ये डिज़ाइन नहीं चेंज की, तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जो अदर कंपनियाँ हैं वो अपने प्रोडक्ट सेल करके कस्टमर बनाती है, बट बजाज वालों ने कस्टमर नहीं बनाया, फ़ैन बनाया है। क्योंकि उस की वजह से यहाँ पे बजाज वालों ने अभी डिज़ाइन चेंजेस नहीं किए, और इस डिज़ाइन के जो फ़ैन होते हैं वो काफ़ी डायहार्ड फ़ैन है, वो अभी भी काफ़ी इस व्हीकल को पसंद करेंगे। यानी कि पल्सर 150 220F जो सेल होगी वो काफ़ी अच्छी सेल होगी, बट यहाँ पे एक प्राइस सेगमेंट, यहाँ पे एक डिसपॉइंटमेंट है कि प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। बट जो प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है उसके सामने आपको इंजन काफ़ी अच्छा रिफाइन हो चुका है। एंड एग्जॉस्ट नॉट में जो आप यहाँ पे बजाज ने इंजीनियरिंग की है वो काफ़ी अच्छी है। अदर कंपनियों के BS6 में एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी कम बेजी हो जाता है, बट जो अभी पल्सर 150 BS6 में है एग्जॉस्ट नॉट है वो पहले से और भी स्मूथ रिफाइंड और बेस थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है जो पहले से। तो चलिए सुनते हैं यहाँ पे, अभी तो एग्जॉस्ट नॉट की बात की है तो चलिए सुनते हैं एग्जॉस्ट नॉट। तो गाइज, अभी जो छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन एंड आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वो पहले BS4 जितना है, तो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फ्रंट में 90 का टायर आपको ड्यूअल डिस्क वाले UG5 वेरिएंट में देखने को मिलता है, उसके साथ 270mm डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। एंड फ्रंट हेडलाइट सेटअप के बारे में बात करते हैं तो 55W का आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है, उसके साथ दो पायलट लैम्प्स एंड वही फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आपको हेलोजन देखने को मिल जाते हैं। एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशन थी फ्रंट लुक से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइज, अब बढ़ते हैं यहाँ पे इंजन के बारे में, तो जहाँ आपको मेजर चेंज देखने को मिलता है। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट दी इंजन। तो इंजन के बारे में बात करते हैं तो 155cc कार्बोरेटर से स्विच होकर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो अभी पहले से मेरे हिसाब से पावर यहाँ पे स्लाइटली ड्रॉप हो चुकी है 0.2 से 0.4 BHP। अभी बजाज वालों ने ऑफिशियली पावर फिगर्स यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की है, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर फिगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 BHP के आसपास, उसके साथ टॉर्क भी यहाँ पे आपको 13 या फिर 14 न्यूटन मीटर जितना आपको देखने को मिलता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि चेंजेस में आपको वही इंजन सेटअप देखने को मिलता है। तो अभी जो चेंजेस है वो यहाँ पे आप एग्जॉस्ट नॉट में देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट नॉट के बाजू में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर, उसके साथ O2 सेंसर यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है। एंड इसके साथ आपको वही DTSI यानी कि ट्विन स्पार्क इंजन देखने को मिल जाता है। एंड अभी आपको जो एक और चेंजेस देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो आप मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। Thank you.
तो अभी मैंने व्हीकल स्टार्ट किया है और व्हीकल को फर्स्ट गियर में डालते ही अगर आप स्टैंड डाउन कर दे तो व्हीकल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो सेफ्टी के हिसाब से अभी सभी BS6 व्हीकल में आपको देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे सभी कंपनियाँ दे रही है अपने BS6 प्रोडक्ट में। तो अभी गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो गियर बॉक्स काफ़ी रिफाइंड एंड जो आपको 150 नियोन आती है उसमें जो खड़क खड़क आवाज़ आते थे वो अभी से इसमें नहीं आते हैं और गियर बॉक्स पहले से काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजाज वालों ने बनाया है गियर बॉक्स और यहाँ पे जो अपग्रेडेशन या फिर इंजीनियरिंग की है बजाज वालों ने वो गियर बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे टेल सेक्शन के बारे में, कुछ चेंजेस तो नहीं है पर आपको बताना तो पड़ेगा। राइट प्रोफाइल में आपको एक चेंजेस जो मैंने नोटिस किया है कि आप देख सकते हैं कि जो आपको रिम के स्ट्रिप देखने को मिलते हैं वो पहले BS4 वायर इवेंट में आपको दो देखने को मिलते थे बट यहाँ पे एक कर दिया है, पर मेरे हिसाब से जो दो स्ट्रिप आपको देखने को मिलते वो काफ़ी कूल लगते थे एक की जगह पे। एंड अब बात करते हैं टेल सेक्शन के बारे में, तो टेल सेक्शन में आपको वही BS4 वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ पे जो टायर देखने को मिलते हैं वो फ्रंट में भी C8 एंड रियर में भी आपको C8 का टायर देखने को मिलते हैं। सेक्शन यहाँ पे फ्रंट में 90 एंड रियर में आपको 120 एंड C8 यूरो ग्रिप टायर आपको देखने को मिलते हैं एंड आपको रियर में भी 240mm के डिस्क देखने को मिल जाती है। उसके साथ RLB एंड स्पीड सेंसर रियर में भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस रियर सस्पेंशन सेटअप में आपको एक और चेंज देखने को मिलता है जो कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया होगा या फिर कोई भी किसी को पता नहीं है, जो मैं आपको चेंज बता रहा हूँ कि जो आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन सेटअप जो पुराने में आता था ये पूरा उल्टा आता था। तो गाइस रियर सस्पेंशन में आपको जो पूरा सेटअप देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू BS4 पूरा उल्टा देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर आपको जो डैम्पर देखने को मिलता है अब वो नीचे देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ बजाज वालों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे लाया है जिसकी वजह से कंफर्ट ओवरऑल काफ़ी बढ़ चुका है। अभी मैंने थोड़ी यहाँ पे ऑफ रोड की तो मैंने पिलियन के साथ ऑफ रोड की तो कंफर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू BS4। सो गाइस अभी जो आपको पल्सर 150 की पूरी सीरीज़ आती है जैसे जैसे स्टार्ट होती है 150 नियोन तो उसमें टैक एक्सटेंशन एंड इंजन काउल आपको देखने को मिल जाता है एंड अभी 125 नियोन BS6 वेरिएंट में आपको टैंक एक्सटेंशन दिया गया है जिससे तीनों व्हीकल यानी कि 125 नियोन 150 नियोन एंड 150 UG5 तीनों व्हीकल लुक्स में आपको अलग कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो इंजन काउल दिया है 150 नियोन में जिसकी वजह से लुक्स ओवरऑल काफ़ी बढ़ चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर लुक्स आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस माइलेज के फिगर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 5-10% यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी माइलेज यहाँ पे बजाज क्लेम करिए 50-55 km/L अभी एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर यहाँ पे आपको माइलेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको एक FI का मेजर चेंज है कि आपको यहाँ पे चौक देखने को नहीं मिलता एंड यहाँ पे आपको फ्यूल पंप होने की वजह से पेट्रोल का लेवल उसके ऊपर तक रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे लो फ्यूल में इसको नहीं चला सकते एंड यहाँ पे आपको किक भी देखने को नहीं मिलती एंड BS4 में भी आपको नहीं देखने को मिलती थी वो किक। एंड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ऑन रोड प्राइस मेरे हिसाब से 1,15,000 के करीब है एंड आपके अगर डिफरेंट स्टेट में ये वेरी करती रहती है एंड अगर आप फ़ैन हो इस व्हीकल के तो आप ऑब्वियसली ये परचेस कर गए एंड आपको कम्यूटर सेगमेंट में एंड थोड़ी आपको लॉन्ग राइडिंग करनी है एंड अच्छी माइलेज चाहिए एंड अच्छा रिलायबल इंजन चाहिए तो आप ये व्हीकल पसंद कर सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न फीचर जैसे कि LED हेडलाइट सेटअप वो अच्छा नहीं लगे तो आप ये व्हीकल ऑब्वियसली पसंद कर सकते हैं। तो गाइज अभी आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नॉर्मल चेंज आपको देखने को मिलता है वो भी दिखाता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के FI का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जो फ्यूल इंजन माल फंक्शन आपको होता है तो वो आपको देखने को मिलेगा बट यहाँ पे वही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है और पर पर्सनली जो यहाँ पर टेकोमीटर और नीरल देखने को मिलती है वो काफ़ी एंथुजियास करती है आपको एंड आपको जो व्हीकल को पुल करते हैं रेव रेंज में तो जो आपको RPM नीडल देखने को मिलती है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी फीलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो फुली LED या फिर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नहीं देखने को मिलती। तो गाइज अभी बढ़ते हैं राइड व्यू के बारे में, कैसी इंजन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है उस पर बात करते हैं। सो गाइज व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद इंजन काफ़ी रिलैक्स हो गया है पहले से। तो गाइज चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करते ही आपको इजी स्टार्ट देखने को मिलता है और फ्यूल इंजेक्शन के आने से यहाँ पे इंजन काफ़ी रिफाइंड हो गया है और एग्जॉस्ट नेट आपको देखते हैं कि BS4 व्हीकल जो अभी थे उसमें एग्जॉस्ट नेट काफ़ी अच्छा था, अभी जब जो दूसरी कंपनियों के BS6 व्हीकल आते हैं तो उसमें एग्जॉस्ट नेट की मैं बोली तो ऐसे कि एग्जॉस्ट नेट की बेज ही नहीं रहा बट अभी जो पल्सर 150 UG5 में जो बजाज वालों ने साउंड इंजीनियरिंग की है वो काफ़ी अच्छी की है और एग्जॉस्ट काफ़ी रिफाइंड यहाँ पर लग रहा है। रेव करके अभी देख सकते हैं कि तो इंजन काफ़ी रिफाइंड एंड स्मूथ लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पीडोमीटर डिसकनेक्ट है
तो मैं आपको स्पीड नहीं बता सकूंगा। तो फर्स्ट एड इंप्रेशन में इंजन काफी स्मूथ लग रहा है मेरे को। एंड पल्सर 150 में अभी जो आपको मेजर चेंज जिसमें कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन में स्विच हो गया है इंजन, एंड बाइक एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन है जो लॉन्ग राइड के लिए काफी अच्छी है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन लीनियर देखने को मिलता है, क्लच एकदम लाइट फील हो रहा है, एंड्यूरल हॉर्न का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है और इसके वजह से मैं पल्सर 150 का हॉर्न का दीवाना हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेच करते हैं। वाइब्रेशन पे बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती टैंक पे स्पेशली। एंड गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं तो गियर बॉक्स मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, एंड गियर्स जो आपको स्मूथनिंग देखने को मिलती है वो पहले से काफी अच्छी हो गई है। एंड इंजिन रिफाइनमेंट बढ़ती गए फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद, जिसकी वजह से आपको इंजिन में कभी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, पूरी रेव रेंज में आपको लीनियर एक्सीलरेशन देखने को मिलता है। तो गाइस मैं आपको अभी जो कार्बोरेटर से इसमें फ्यूल इंजेक्शन स्विच हुआ है तो उसका एक मेजर चेंज आपको दिखाता हूँ कि अगर हम व्हीकल कार्बोरेटर वाला व्हीकल चलाते हैं तो आप देखते हैं कि अभी मैंने फर्स्ट गियर पे डाला व्हीकल, जो क्लच छोड़ते हैं तो व्हीकल ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, पर कार्बोरेटर व्हीकल में एक लिमिट आएगी कि वो आपका सेकंड गियर तक व्हीकल स्टार्ट हो रहेगा, यानी कि बिना एक्सीलेटर दिए आपका व्हीकल चलता रहेगा। बट अभी जो फ्यूल इंजेक्शन मोटर में आपको ये जो स्पेशल बेनिफिट देखने को मिलता है कि देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट गियर में है एंड क्लच मैंने छोड़ दिया है, अभी देखते हैं मैं सेकंड गियर में डालता हूँ और व्हीकल चलने लगेगा अपने आप, वो इसी मैनेज कर लेता है आरपीएम जिसकी वजह से व्हीकल अपने आप मैनेज हो जाएगा। अभी सेकंड गियर में चल रही है एंड मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है, अभी थर्ड गियर डाल के देखते हैं। थर्ड गियर में भी इसने मैनेज कर ली, जबकि कार्बोरेटर व्हीकल अभी सेकंड गियर में ही बंद हो जाते हैं, बट आप देख सकते हैं कि थर्ड गियर में भी इसमें एफआईआर इश्यू होने की वजह से जो आरपीएम मैनेज करते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड गियर में भी बिना एक्सीलेटर के ये चल सकती है, इवन पिनियन भी मेरे पीछे है। अभी मैं फोर्थ गियर में डाल के देखता हूँ कि ये गाड़ी आगे चलती है या फिर बंद हो जाती है। तो ये फोर्थ गियर डाल दिया मैंने, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, तो फोर्थ गियर में भी खुद को मैनेज कर लेती है। कार्बोरेटर व्हीकल अभी बंद हो चुका होगा अगर इस कंडीशन में, तो आप गाइस देखा कि आपने तो फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल होने का फायदा आप देख सकते हैं कि आप बिना क्लच बिना एक्सीलेटर दिए भी आप व्हीकल चला सकते हैं। एंड टोटल एक्सपीरियंस काफी क्रिस्प हो गया है पहले से। एडजस्टमेंट काफी आपको अच्छा देखने को मिलता है, फ्रंट में सिंगल चैनल एबीएस होने की वजह से आपको जो फीडबैक मिलता है और उसकी जो डिस्चार्ज है वो 270 mm है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी ब्रेकिंग बाइक देखने को मिलती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल पल्सर 150 है। कंफर्टेबल पल्सर सीरीज के बारे में बात करते हैं तो 150, 180F, 220F जो राइडर एज वेल स्पिनिंग के लिए काफी अच्छी कंफर्टेबल व्हीकल है। सो गाइस ये था ओवरऑल वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे हमारे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप डायहार्ड फैन हो पल्सर के तो एक वीडियो ये वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। एंड पर्सनली पल्सर 150 UG5 में जो कस्टमर्स काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे बट आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता, बट पर्सनली अभी भी ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही मेरे को। एंड गाइज ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।